Okay, how much wire is required to fence a rectangular field 1 kilometer long and 500 meters broad? आपको बताना है कि एक rectangular field है, तो सबसे पहले ना हम उसका figure draw कर लेंगे, right? एक rectangular field है, right? एक आपकी rectangular field है जिसकी length है 1 kilometer एंड कितनी ब्रॉड है 500 meters। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों की जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है, दोनों की जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है, इसके किलोमीटर्स है इसको मीटर्स है, चेंज कर लेते हैं सबसे पहले किलोमीटर्स को मीटर्स, राइट? सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters। ये थी आपकी लेंथ, और उसके बाद आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी है 500 meters। दोनों हमने दोनों की यूनिट सेम कर दी है, राइट? अब आपको क्या बताना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ फेंस लगानी है, राइट? फेंस आपको मालूम होगा कि कहीं भी आपने खेत वगैरह देखे होंगे तो उनके चारों तरफ कांटेदार तार लगे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेंस। आपको इस बाउंड्री के इस फील्ड के चारों तरफ वही वायर्स लगाने हैं आपको, राइट? तो आपको बताना है कि कितना वायर काम में आ जाएगा, लेंथ ऑफ द हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड मीन्स उसकी लेंथ बतानी है कि इस फील्ड की अगर मुझे बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री लगानी है तो मुझे कितना वायर काम में आएगा, राइट? क्योंकि बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बाउंड्री पर आपको जब वायर लगानी है तो मीन्स आपको इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ पता होनी चाहिए, एंड अगेन लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स आपको इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायर रिक्वायर्ड टू फेंस वायर, आपको वायर चाहिए रिक्वायर्ड टू फेंस, उसको करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, अगेन आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम है, तो फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर। जिनको मालूम है कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, मेरे सोल्यूशन के लिए वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई मुझसे पहले इसको सॉल्व कर ले तो जाकर, जैसे और क्लासेस के बच्चे डांट लिखते हैं, तो अगर कोई मुझसे पहले इसको सॉल्व कर ले, इसका आंसर फाइंड आउट कर ले, तो फिर कमेंट्स में जाकर डांट लिख दीजिएगा। चलिए लेंथ देखते हैं कितनी है, 1000 meters प्लस ब्रेड कितना है 500 meters। अब ये मीटर्स की बात हो रही है, राइट? तो दिस इज 1000 प्लस 500 इज 1500, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 3000 meter। मीन्स आपको जो वायर चाहिए इसके लिए वो चाहिए 3000 meters। अब ये 3000 meters, अब अगर आपको इसका आंसर मीटर्स में देना है तो मीटर्स में दीजिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर्स, राइट? आप इसका आंसर किलोमीटर्स में भी दे सकते हैं, जैसे हमने 1000 meters को 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था, ऐसे हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया। किलोमीटर आप 3 0 यूज करते हैं किलोमीटर के लिए, तो हमने 3 0 हटा के किलो लिख दिया एंड दिस इज मीटर। तो यहाँ पर हमने, अगर आप मीटर्स में भी आंसर देंगे कोई बात नहीं, अगर आप किलोमीटर्स में देना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ओके। तो आपको 3 किलोमीटर्स वायर चाहिए इन ऑल इस रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करने के लिए, फेंस करने के लिए।